नमस्कार। तो आज के सेशन में हम यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पूछे जाएंगे, जो कि इस बार NTA करवाएगी पेपर, ठीक है। तो वो अपने अकॉर्डिंग उन्होंने सब्जेक्ट जो है सिलेबस को अकॉर्डिंग तैयार किया है, उसी को हम यहाँ पे देखते चलेंगे। देखिए, ये पॉलिटिकल साइंस आपको पता ही होगा कि सिलेबस के हमने देखा था कि हिंदी या इंग्लिश में से किसी आपको एक को चुनना होता था लैंग्वेज पार्ट में, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन करने होते थे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 अंक दिए गए थे और वही माइनस मार्किंग 1 नंबर थी। इसके बाद जनरल टेस्ट है, जिसमें आपको 4 सेक्शन दिए जाएंगे, ठीक है। चारों सेक्शन में 15 15 15 क्वेश्चन के जो है सेट दिए जाते हैं, जिसमें से आपको मिनिमम 12 करने अनिवार्य हैं, ठीक है। मैंने 12 कर सकते हैं आप। इसके बाद क्या हुआ कि अगला जो हमारा है कि जैसे BSc मैथ, BSc बायो, ठीक है, BCom, BFA, BPA और BA, ये और BLLB, ठीक है। तो ये चार पांच पांच प्रकार के जो जितने भी कोर्सेज हैं, इनके जो सिलेबस है वो अलग अलग डिफाइन किया गया है। जैसे कि अगर आप BA करना चाहते हो तो BA में 8 सब्जेक्ट हैं, जिनमें से आपको मिनिमम 2 सब्जेक्ट चुनने होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आप 4 चुन सकते हैं। मिनिमम मान लीजिए मैंने एक पॉलिटिकल साइंस चुना है, दूसरा मैंने हिस्ट्री चुन लिया, ठीक है। तो दोनों सेक्शन से क्या होगा कि 50 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैंने पॉलिटिकल साइंस चुना है तो उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से मुझे 40 क्वेश्चन करने होंगे। तो उसे हम तो बेसिकली ये वीडियो जो है वो BA के लिए है, ठीक है। BSc के लिए भी आएगा, BPA के लिए भी आएगा और BCom और BFA के लिए भी आएगा। इसके साथ ही मैं बता दूं कि जो जनरल टेस्ट होता है वो सभी के लिए अनिवार्य है, और जो लैंग्वेज वाला टेस्ट है वो सभी के लिए अनिवार्य है। तो वो दोनों क्या होंगे, अगर वो वीडियोस आते हैं तो वो सभी BA, BSc, BCom, BFA, BPA, BLLB, ठीक है, और BA सभी के लिए जो है अनिवार्य होंगे। तो वो क्या होगा कि एक कॉमन वीडियोस होगा, बाकी जो होगा वो सेक्शनल वाइज यहाँ पे आएगा। हमारी बुक जो है वहाँ पर तैयार हो चुकी है, कुछ ही दिनों में हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन जो है आ सकते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, मॉडल पेपर हो तो उसको हम यहाँ पर तैयार कर देंगे। देखिए यहाँ पे सिलेबस क्या हमारा, तो पॉलिटिकल इन सेंस इंडिपेंडेंस, इसमें क्या होगा कि पूछा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन संबंधी जितने भी कांग्रेस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद नेहरू अप्रोच पूछी जाएगी, पॉलिटिक्स प्लान डेवलपमेंट 5 ईयर प्लान जो इसके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद फॉरेन पॉलिसी नेहरू की क्या थी ये भी पूछी जाएगी, इनसे संबंधित प्रश्न होंगे। इसके बाद क्या होगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर कमेटी के बारे में, ब्यूरो ऑफ जुडिशरी के बारे में पूछा जाएगा, रीजनल एस्पायरेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, अभी हम सब समझेंगे। सोशल मूवमेंट के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ में ये सारी चीज़ें होंगी। दूसरा क्या होगा, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसमें कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है, इस तरीके से जो जितने भी टॉपिक होते हैं ये सारे, और जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे संबंधित, सिक्योरिटी एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जितने भी हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्स ऑफ इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो बेसिकली क्या है कि इन्होंने करंट को ज़्यादा यहाँ पर महत्व दिया है, बेसिकली जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो उन चीज़ों, ठीक। तो ये जो है पूरा पॉलिटिकल सेक्शन है हमारा, तो हम इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी करेंगे। इससे बाहर हम एक भी सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, मतलब एक भी टॉपिक हम बाहर नहीं पढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए यहाँ पे हम किसी भी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सिलेबस से बाहर चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे, जो भी आपके सिलेबस में शामिल किया गया है हम वही चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सभी सिलेबस से लगभग लगभग पूछे गए हैं, तो हम यहाँ पे आफ्टर इंडिपेंडेंस जितनी भी हमारे इंडिया में जो भी चीज़ें हुई हैं उनको यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न हमारा है कि दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ से संविधान का कौन सा संविधान संशोधन संबंधित है, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है ये आपको बताना है, या फिर कह सकते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था। तो 52वां यानी 52 अमेंडमेंट हुआ था, यानी 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो शामिल किया गया था। अगला हमारा है कि निम्नलिखित संविधान संशोधन में कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध रहता है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है, यानी आप पक्ष परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, किस संविधान संशोधन के माध्यम से कहा गया। मान लीजिए कि मैंने BJP से लड़ा, ठीक है, इसके बाद पक्ष परिवर्तन मतलब मैं सपा में आना चाहता हूँ, तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते। तो वही 52वां संविधान संशोधन यानी एंटी डिफेक्शन लॉ जब आया था तो उसी के तहत यहाँ पर ये बताया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो संविधान में जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो किससे संबंधित है, वो दल बदल के आधार पर योग्यता संबंधी प्रावधानों से संबंधित है, ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। वहीं अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, यानी कौन सा भाग ऐसा है जो पंचायती राज को यहाँ पर उल्लेखित करता है यानी डिफाइन करता है।
भाग 9 के अंतर्गत जो है पंचायती राज को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। आपको पता होगा 71वां संविधान संशोधन, 71वां और 72वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, ठीक है, 1992 में हुआ था, ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, भाग 9A और भाग 9 क, तो दो यहाँ पे जोड़े गए थे। तो भाग 9 क्या था, पंचायती राज से व्यवस्थित, पंचायती राज से संबंधित था, जबकि भाग 9 का क्या किससे संबंधित था, ये नगर पालिकाओं से संबंधित था। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो होगा भाग 9 का सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न हमारा है जनजाति क्षेत्रों से संबंधित, ये प्रश्न हमारा है कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या गृह मंत्री को। मान लीजिए कोई क्षेत्र है स्पेसिफिक, तो उसे अनुसूचित या अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किस चीज़ को है, किसे है, ये बात गया है, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति को अधिकार है कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित या जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में स्वायत्त जिले की व्यवस्था नहीं है, यानी वहाँ पे स्वतंत्र जिला नहीं है, ये आपसे पूछा गया। तो अरुणाचल प्रदेश में स्वायत्त जिले की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो देखिए पॉलिटिकल ग्रुप यानी दलीय व्यवस्था की भी बात यहाँ पे हमारे सिलेबस में की गई है, तो उसको अकॉर्डिंग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे कि भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। एक दलीय है, द्विदलीय है, बहुदलीय है, फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता ही भारत में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है। चाइना में किस प्रकार से व्यवस्था है और अमेरिका में किस प्रकार से व्यवस्था है, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। इसी के साथ में आपको बताना है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट कब हुआ था और वर्ल्ड वार सेकंड कब हुआ था, यानी विश्व युद्ध पहला और दूसरा कब कब हुआ था, यह आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। आई होप कि डेफिनेटली आप इसका आंसर जरूर देंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि इससे भी आप पार्टिसिपेंट करेंगे, ठीक है। इससे मुझे भी खुशी होगी कि आपने आप लोग के जो नॉलेज का भी पता चलेगा, ठीक है, आप इससे भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगला हमारा एक लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है, यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका अभाव अगर हो जाए तो लोकतंत्र नहीं चल सकता है। बिना राजनीतिक दल के लोकतंत्र का कार्य संचालन नहीं चल सकता है, ठीक है। भारत में दलीय व्यवस्था की विशेषता आपसे पूछी गई है, तो अधिकांश दल प्रधानता धर्म, भाषा व जाति पर आधारित है, विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में काफ़ी समानताएं हैं, या विभिन्न क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की भरमार है, ये आपको बताना है, या उपयुक्त सभी। तो भारत के पक्ष में अगर देखा जाए तो भारत में क्या है, दलीय व्यवस्था कि अधिकांश दल जो है धर्म, भाषा व जाति पर आधारित है, ये बात सही है। जैसे बीजेपी क्या हो गया कि वो कहीं ना कहीं हिंदू के पक्ष में है, ठीक है, हिंदू को प्रमोट करती है। सपा में क्या हो गया कि सपा जो है वो OBC यानी यादवों को और साथ ही साथ में मुस्लिम को लेके चल रही है, तो उनका वोट बैंक एक यहाँ पर निर्धारित हो गया, तो ये बात सही है। विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों की काफ़ी समानताएं हैं, यानी राजनीतिक दल आपस में अगर देखा जाए तो उनकी कार्य में जो है वो काफ़ी समानता है यहाँ पे, ये भी बात सही है। विभिन्न क्षेत्रीय राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की भरमार है, यानी भारत में आप देखेंगे ग्राम प्रधान के अगर एक चुनाव होगा तो उसमें क्या होगा कि 10ों लोग खड़े हो जाएंगे, ठीक है, जबकि 1,000 का गाँव है और 10 लोग वहाँ पर प्रधान के पद के लिए ही खड़े हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर क्षेत्रीय राज्य स्तरीय पर भी आप देख सकते हैं कि कई लोग जो है वो खड़े हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, जो संघ राज्य का प्रशासन होता है वो किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा या प्रशासक के द्वारा। तो भारत में जो संघ राज्यों का प्रशासन होता है वो किसके द्वारा होता है, वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ठीक है। वहीं अगला का प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, पहली बात तो आपको बताना है कि भारत में कितने वर्तमान समय में कितने राज्य हैं और कितने संघ शासित प्रदेश हैं। क्यों मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि ये पूछे जाने की संभावना बहुत बनती है, ठीक है। NTA पहली बार करवा रही है तो वो इतने टफ क्वेश्चन नहीं देगी, ठीक है, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन यही है कि वो मीडियम या फिर ईजी लेवल के क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल करेगी। तो पहला क्वेश्चन है आपको, केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है, संसद का, मंत्रिपरिषद का, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का या प्रधानमंत्री का। तो आपको बताना है कि किसका होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का, केंद्र शासित प्रदेश पर जो होता है वो शासन होता है, ठीक। राष्ट्रपति द्वारा जिसे नियुक्त करेगी, यानी राष्ट्रपति जिसे नियुक्त करेगा जिस प्रशासक को, वहीं वहाँ का केंद्र शासित का क्या होगा, शासन करेगा। अब राष्ट्रपति अपने मन से नहीं कर सकता, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, वो निर्वाचित होता है जनता के द्वारा, ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके साथ में अगर पूछूँ तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था, ठीक है, और पूना पैक्ट कब हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक
ठीक है, आई होप कि इन दोनों का प्रश्न का आंसर आप बताएंगे। मैंने 6 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, 6 क्वेश्चन का आप आंसर डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने ये मैंने चुने हुए हैं। एट द लास्ट में जब आप मॉडल पेपर देखेंगे, जब मैं तैयार करूँगा, तो उसमें ये सारे पेपर जो है, प्रश्न जो है, शामिल होंगे। संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है, यानी जो संघ शासित क्षेत्र के जो प्रशासक होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो अभी हमने देखा है, देखिए शब्दों का हेर फेर बदल हो सकता है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट के बियॉन्ड नहीं जाएंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र शासित का जो प्रशासक होता है उसकी नियुक्ति होती है। अगला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है, ये आपको बताना है। ऐसा कौन सा जो है संघ राज्य क्षेत्र है जिसका एकमात्र अपना उच्च न्यायालय है। तो संघ शासित प्रदेश के अंतर्गत देखा जाए तो दिल्ली जो है, दिल्ली का अपना एक उच्च न्यायालय है। बाकी आप सभी संघ शासित प्रदेश में देख लीजिए, किसी में भी उच्च न्यायालय की व्यवस्था नहीं की गई है, ठीक है। अगला हमारा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जो है कि प्रशासक को क्या कहा जाता है, प्रशासक, राज्यपाल, उपराज्यपाल या मुख्य सचिव। यानी केजरीवाल इस समय है तो उनको क्या कहा जाएगा, उनको उपराज्यपाल कहा जाएगा, ठीक है। अगला है, आपसे पूछा भी गया था कि बीजेपी, कांग्रेस, एनडीए, ठीक है, इन सब से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो हमारा प्रश्न है अगला कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, ये आपको बताना है। कांग्रेस का क्या है, तो हाथ का पंजा क्या है, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह के अंतर्गत आता है, ठीक है। बीजेपी क्या है, बीजेपी का कमल है, ठीक है। मशाल और चक्र किसका है, ये आपको बताना है, ठीक है। सपा का क्या है, सपा का साइकिल है। तो छोटी छोटी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, लेकिन थोड़ा सा जो टफ होता है, जैसे कि साउथ में जितने भी पार्टियाँ हैं 2-3, ठीक है, उनको आप यहाँ पर याद रखिएगा। और 2-3 पार्टी जो स्पेशली इस समय न्यूज़ में रही हैं उनको भी आप यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। मशाल और चक्र को आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। वहीं अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस स्पेशली शामिल किया गया है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो मैंने बता दिया कि 1885 में इसका गठन हुआ था। अब इसकी अध्यक्षता किसने की थी और प्रथम बैठक कहाँ पर हुई थी, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। सारे क्वेश्चन का जो है वीडियो को पॉज कीजिए, उसका आंसर जो है आप कमेंट में लिखिए, इसके बाद फिर वापस से वीडियो को क्या कीजिए, चालू कीजिए। तो आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है। क्षेत्रीय दल का आपको उदाहरण बताना है, कांग्रेस, भाजपा, अकाली दल या माकपा, ठीक। तो अकाली दल क्या है, यहाँ पर एक क्षेत्रीय दल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ पे रट लीजिएगा, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वर्तमान समय में कुल राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है, क्या है कि वर्तमान समय में देश में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं, ये आपको बताना है, उनकी संख्या कितनी है। कौन कौन से राष्ट्रीय दल हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। ये हमारा आई थिंक 8वां या 9वां प्रश्न होगा, ठीक है। स्पेशली अगर जो ये 7-8 का करेगा उसका मैं जो है कमेंट पिन करूँगा, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ डेफिनेटली आप इसका आंसर जरूर देंगे। तो इस वर्तमान समय अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है, 7 है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था, यह आपको बताना है। प्रथम लोकसभा उस समय कितने थे, उस समय 14 थे, ठीक है। उस समय कितने थे राष्ट्रीय दल, राजनीतिक दल, तो उस समय 14 थे, इस समय कितने हैं, 7 हैं। वहीं अगला प्रश्न हमारा है कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है। यानी कोई भी दल राजनीतिक, कोई भी राजनीतिक दल को कि राष्ट्रीय दल होगा या फिर प्रादेशिक दल होगा, इसके रूप में मान्यता कौन देता है, ठीक है, ये आपको बताना है। राष्ट्रपति देता है, विधि मंत्री या निर्वाचन आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये निर्वाचन आयोग के द्वारा ये मान्यता दी जाती है। देखिए जम्मू कश्मीर से भी यहाँ पे इस बार जो है प्रश्न पूछे जाने की संभावना पूरी बनती है। तो जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था, ये आपको बताना है। तो 26 जनवरी 1957 को, उस समय अलग संविधान था, अलग झंडा था, ठीक है। तो इस तरीके से लेकिन वर्तमान समय ये चीज़ें खत्म कर दी गई है, तो इससे भी जो है प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। तो जब जम्मू कश्मीर से भी जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। अगला हमारा है प्रेशर ग्रुप यानी दबाव समूह का कार्य क्या है, ठीक है। दबाव समूह से भी यहाँ पर प्रश्न जो है पूछे जाने की संभावना है कि दबाव समूह का कार्य क्या है, ये आपको बताना है। चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, दूसरों के हितों को प्रोत्साहित करना या अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। तो दबाव समूह क्या करते हैं बेसिकली, कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार पर क्या करते हैं, दबाव डालते हैं। जैसे कि कई क्या करते हैं, आप लोग देखते होंगे कि कई कई ग्रुप क्या होते हैं
कि वो अनशन पे बैठ जाते हैं, ठीक है, या फिर किसी तरीके से सरकार का विरोध करते हैं, काला झंडा दिखाते हैं कि उनकी मांगें पूरी की जाएँ, तो वो दबाव समूह के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। दबाव समूह का उल्लेख समानता होता है, ये आपको बताना है। तो दबाव समूह का जो उल्लेख होता है समानता विशेष हित समूह के रूप में किया जाता है, ठीक है। अगला आपसे पूछा गया है कि दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य क्या होता है, यानी एम क्या होता है, ये आपको बताना है। दबाव समूह बेसिकली क्या करते हैं कि अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करते हैं, वो अपना फायदा देखते हैं, ठीक है, उनका विकास हो सके, वो जिनकी मांग कर रहे हैं उनकी वो पूरी हो सके, उनके जो दल हैं उनके जो जितने भी अपने सदस्य हैं उनका हित हो सके, ठीक है, तो उनका मेन एम यही होता है। अगला प्रश्न आपसे है कि डी डी मैकिन ने दबाव समूह को परिभाषित किया है, जो डी डी मैकिन है वो दबाव समूह को किस रूप में परिभाषित करते हैं, ये आपको बताना है। तो गुमनाम साम्राज्य के रूप में दबाव समूह को परिभाषित करते हैं। अगला आपसे पूछा गया रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, ये आपको बताना है। तो रेगुलेटिंग एक्ट आपको पता ही होगा, ठीक है, बहुत बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित किया गया था, ठीक है। देखिए ये चीज़ें काफ़ी हो गई हैं, आई थिंक कि इसके अप्रॉक्सीमेटली 40+ हमारे क्वेश्चन हो भी गए हैं, तो आपको 50 में से 40 करना ही है। तो देखिए बेसिकली हमारा एम क्या है कि कोई भी प्रश्न ऐसा ना हो जो हमसे छूटे, ठीक है। तो इसमें हमने क्या दिया है, पहले जितने भी टॉपिक हैं मैक्सिमम टॉपिक को हमने कवर करने की कोशिश की है। अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो सेकंड वाले टॉपिक को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद धीरे धीरे हमारी जो है स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो है, तो उसको में हम कम कोशिश कर रहे हैं कि कम ही स्ट्रेंथ रखें। इससे क्या होगा कि आप लोग पढ़ेंगे, और कई बार क्या होता है कि वीडियो लंबा होने की वजह से आप कई बार स्किप भी कर देते हैं, इस वजह से मैं इसको वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखूँगा। अगली बार क्या करूँगा, 3-4 सेट को धीरे धीरे हमारी जैसे आदत बनती जाएगी, हम 3-4 सेट को जो है एक ही वीडियो के माध्यम से पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके साथ ही मैं बता दूँ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स के माध्यम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, ठीक है, सोशल मीडिया से भी हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो डाउट हो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। आइए देख लेते हैं 2-4 क्वेश्चन हो, इसके बाद ही हम यहाँ पे स्किप करेंगे। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था, ये आपको बताना है। तो विक्टोरिया को भारत की जो है सामग्री साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था, तो 1858 में। पार्लियामेंटो का सुधार का जो उद्देश्य था वो क्या था, ये आपको बताना है। बेसिकली एक क्वेश्चन और मेरा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है, ठीक है। ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन होगा आई थिंक। अगला हमारा है कि पार्लियामेंटो सुधार का उद्देश्य क्या था, ये आपको बता। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली, पार्लियामेंटो सुधार कब आया था, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। ये हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। देखा हमने क्या पूछा है कि पार्लियामेंटो सुधार का उद्देश्य क्या था, तो ये उद्देश्य था कि प्रथम निर्वाचन प्रणाली बनाना, यानी हिंदुओं के लिए अलग मुस्लिमों के लिए अलग, ठीक है। और मैंने पूछा कि ये आया कब था, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। तो इस तरीके से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।